दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बिजनेस वाले में। हाँ भाई, इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि इस थ्योरी को 5 मिनट में निपटा दूंगा। पॉल एम स्विजी इज किंग डिमांड थ्योरी। भाई, डिमांड थ्योरी आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, पर ये डिमांड थ्योरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंड ये एग्ज़ाम में हम लोग क्या नेगलेक्ट कर देते हैं कि भाई फालतू चीज़ क्यों पढ़नी है, एग्ज़ाम में आने ही नहीं वाली है। बट ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है और 6 से 8 नंबर में पूछी जाती है। आपके टीचर ने आपको समझाया हो या ना समझाया हो, एक बार डिस्कस किया होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर CBSE बोर्ड से हैं, राइट, तो इसको हम लोग फटाफट पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। हम लोग तो आपको समझाएंगे ही भाई साहब, क्योंकि हमारा काम है आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही बताना। फालतू तो पूरा कचड़ा उठा के नहीं भर दूंगा, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। हमको आपको समुंदर में नहीं तैराना है। हम आपको एक छोटी सी कैप्सूल देंगे, वो पढ़ के या पास हो जाओगे, डोंट वरी, अच्छे नंबर लाने। राइट, सबसे पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्विजी, फर्म कैन नॉट डिक्रीज देयर प्राइजेस इन ओलिगोपॉली। अभी सबसे पहली चीज़ की पॉल एम स्विजी किंग डिमांड थ्योरी एप्लीकेबल कहाँ होती है, तो भाई सबसे पहली चीज़ ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है ओलिगोपॉली में। ओलिगोपॉली आपको बता दिया मैंने क्या होता है, अगर नहीं समझ आया प्रीवियस वीडियो में जाइए, सब कुछ डिटेल में बताया। 7.5 मिनट का वीडियो, कुछ नहीं जाता 7.5 मिनट, इतना में तो एक पबजी का गेम खेलते हो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू स्विजी, फर्म कैन नॉट डिक्रीज देयर प्राइजेस इन ओलिगोपॉली बिकॉज ऑल द फर्म्स विल फॉलो इट्स स्ट्रेटेजी। सेम फर्म ऑल्सो कैनॉट इंक्रीज देयर प्राइस बिकॉज नो बडी विल फॉलो दैट स्ट्रेटेजी। अगर भाई आप दाम कम करोगे तो सब लोग कम करेंगे। अब आप दाम एकदम बढ़ाए जा रहे हो तो कोई नहीं आपके पीछे जाएगा भाई साहब। कारण ये है कि सस्ता होगा तो कॉम्पिटिटर को डर है कि भाई सस्ता देख के लोग उसके फर्म के पास जाएंगे, उसका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। बट अगर आप दाम बढ़ा दोगे तो दूसरे लोग पागल नहीं बनेंगे, बोले भाई उससे सस्ता तो मैं बेच रहा हूँ, अभी मैं सस्ता हूँ तो कस्टमर किसके पास जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर के पास। इसलिए फर्म ना ही अपना प्राइस बढ़ाती है ना कम करती है, तो भाई होता क्या है। दैट इज़ वाई ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस रिगिडिटी। इट मीन्स दैट वंस इन ए ओलिगोपॉली द प्राइस इज डिटरमाइंड, इट डजंट हैव द टेंडेंसी टू चेंज एंड रिमेन रिगिड। रिगिड मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर टाइट, फिक्स, राइट। मतलब आप देखेंगे कोई नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो सबसे पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है, कोई कार लॉन्च हो रही है, सबसे पहले हम लोग उसका क्या करते हैं, अपना जितना मेरा एक्सपेंसेस हुआ पूरा का पूरा एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के सेलिंग कॉस्ट जोड़ के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जोड़ के उसके बाद हम उसकी एक प्राइस निकालते हैं। वो प्राइस फिर ऊपर नीचे हम लोग इतना जल्दी नहीं करते हैं एज़ पर द मार्केट डिमांड। क्यों? क्योंकि भाई बता दिया आपको, आप कम करोगे दूसरा भी करेगा, आप बढ़ाओगे तो मार्केट से बाहर निकल जाओगे। तो एक बार जो कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की इमेज आ गई वो उतना ही पे करेगा। सस्ता करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेल्स में इंक्रीमेंट आएगा, बट अगर बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा हाथ में, राइट। इसीलिए पॉल एम स्विजी ने ये थ्योरी दी है। कितना मिनट का वीडियो हो गया भाई, 2.5 मिनट का है, 5 मिनट में निपटा दूंगा, डोंट वरी, राइट। सो उन्होंने एक थ्योरी दी है कि भाई ना ही फर्म अपनी प्राइस बढ़ाएगा और ना ही कम करेगा। तो भाई करेगा क्या, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रिगिडिटी, मतलब ओलिगोपॉली में प्राइस की टेंडेंसी चेंज नहीं होती और रिमेन रिगिड ही रहता है। अब आप देख लीजिए, इक्विलिब्रियम प्राइस मैंने बना रखा है, ये लाइन आपको एक दिया हुआ है, डिमांड कर्व का मैंने एक बना रखा है, राइट। तो यहाँ पर आके आप देखेंगे प्राइस बैंड हुआ, ये इक्विलिब्रियम है, राइट। तब ये हो गया, अगर आप प्राइस कम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी सेल्स बढ़ेगी, अगर प्राइस आप ऊपर ले जाते हैं तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। दोबारा देख लीजिए, ये इक्विलिब्रियम, आपने प्राइस बढ़ा दिया, यहाँ पे आपने प्राइस लिया, पहले आपका यहाँ पे 1 रुपये था, यहाँ 2 रुपये, तो आप 2 रुपये पर जब लेकर आ रहे हैं तो ये देखिए आपका यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट तो कम हो गया ना सर, सेल्स तो कम हुई। अब 1 रुपये वाले को आपने आप 50 पैसे में लिया तो आपकी सेल्स तो बढ़ गई ना यहाँ पे। अभी भी देखिए आप, ये जो कॉन्सेप्ट है रिगिड वाला ही बन रहा है, मैंने पहले कैसे बनाया ऐसे करके ऐसे, राइट। यहाँ पे भी वही बन रहा है, आप देखिए ये दोबारा देख लीजिए फटाफट, कोई आइटम 2 रुपये का, यहाँ पे 1 रुपये का, यहाँ 50 पैसा, यहाँ पे सेल्स है, ओके। जब आप इसको 50 पैसे लाते हैं तो आपका, आप देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, अगर आप उसको 2 रुपये में लाते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम यहाँ है। तो ना ही आप प्राइस बढ़ाएंगे क्योंकि आपकी सेल्स कम हो जाएगी, और ना ही आप प्राइस को घटाएंगे क्योंकि आपकी डिमांड, राइट। सो अब इसमें देखो, मैंने नीचे एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ कि अपर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज इलास्टिक वेयर द फर्म्स अंडर द ओलिगोपॉली विल कीप इट्स प्राइस बिलो, राइट। इसको कुछ डिस्कस ही नहीं करूँगा भाई साहब, इतने पढ़े लिखे हो आप, इतना तो आराम से समझ जाओगे, फिर भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स पर लिखेगा, डेफिनेटली बताया जाएगा। लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व, विच वन इज लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट,
इज इन इलास्टिक वेयर द फर्म विल कीप इट्स प्राइस हाई द किंग इज एट पॉइंट डी वेयर द प्राइस डिटरमाइंड बाई ओ पी ओ पी ये प्राइस डिटरमाइन किया ओ यहाँ पे सेल्स का रहेगा राइट सो द किंग इज एट पॉइंट डी वेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड एट ओ पी विच रिमेन रेगेड मतलब फिक्स रहेगा राइट साढ़े पाँच मिनट का वीडियो होने जा रहा है ख़त्म करते हैं इस वीडियो को अगर आपको वीडियो समझ ना आया हो तो भाई बैक करके दोबारा एक बार देख लीजिएगा पाँच से छः नंबर में डेफिनेटली पूछा जाएगा और अगर आप इसी चकमे में रहे कि भाई साहब ये तो हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं तो छूट जाएगा पाँच से आठ नंबर ईजी थ्योरी है और डेफिनेटली ये पूछी जाती है चलिए बाय बाय टाटा टेक केयर थैंक यू।